महाराष्ट्र रेरा लॉ एंड प्रैक्टिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री की भगवत गीता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु ने कहा, हाउसिंग सेक्टर में उपभोक्ताओं को संरक्षित करने वाला मजबूत कानून रेरा जब से आया है, तब से उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी के मामलों में गिरावट आई है। जी हाँ, रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2017 और रेरा के 4 साल बाद ICAI की विंग WRC की पहल और हाउसिंग गुरु के नाम से प्रसिद्ध CA रमेश प्रभु के संपादन में सभी के हितों में ध्यान में रखकर 1600 पेजों की एक किताब महाराष्ट्र रेरा लॉ एंड प्रैक्टिस लॉन्च की गई। इन दिनों में ये किताब चर्चा का विषय है। मुंबई के बांद्रा के WIRC के सभागृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर किताब के संपादक CA रमेश प्रभु और WIRC के चेयरमैन CA मनीष गादिया, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आनंद गुप्ता, टेक्समैन के नीलेश भानुशाली, CA शैलेश घेड़िया और महासेवा के प्रवक्ता सुनील शर्मा मौजूद रहे। WIRC के चेयरमैन CA मनीष गादिया और CA रमेश प्रभु ने इस पुस्तक को रियल एस्टेट की भगवत गीता बताया। क्या कुछ कहा मनीष गादिया और CA रमेश प्रभु ने, दिखाते हैं। ये जो हमने बुक निकाली है महारेरा लॉ एंड प्रैक्टिस, ये हर एक स्टेक होल्डर के लिए जरूरी है, भले ही वो बिल्डर हो, बायर हो, रियल एस्टेट एजेंट हो, आर्किटेक्ट हो, CA हो, एडवोकेट हो। और इस तरीके की बुक जरूरी है बिकॉज रेरा जो अथॉरिटी है वो एक तरीके से रेगुलेटर है, उस प्रोविज़न की जानकारी हर किसी को होना बहुत ही जरूरी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रभु सर की लीडरशिप में 4 महीने से हमारी 100 ऑथर्स की टीम इसके ऊपर काम कर रही थी, अब जाके ये बुक हम रिलीज़ कर पाए हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पब्लिशर टैक्समैन पब्लिकेशन का भी। जैसे आपने गीता का आश्चर्य मन में आया कि उसे गीता कहा जाए, कितना ज़रूरी है? क्योंकि मार्केट में काफ़ी रेरा की बुक अवेलेबल है, बट जितनी डिटेल में हमने इसमें कवर किया है रेरा के प्रोविजंस को, बिकॉज प्रभु सर ने जैसे कहा कि महारेरा जो है ये एक तरीके से लीडर है रेरा के अंदर दूसरे स्टेट्स में, और इसमें हर स्टेक होल्डर के लिए सब कुछ है। जैसे अगर हम गीता में देखते हैं तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें उसमें बताई गई हैं, जानने जैसा बहुत कुछ है। तो इस बुक में भी काफ़ी कुछ है, इसमें हमने एक्ट भी कवर किए हैं, रेगुलेशन भी है, नोटिफिकेशन भी है, केस लॉज भी है, मतलब कई तरीके की चीज़ें हैं जो हर स्टेक होल्डर के लिए काम की है, इसलिए हम इसे भगवद गीता का कहते हैं। और आने वाले दिनों में बेहतर इसको बेनिफिट लोगों को मिल सकता है? नहीं, देखिए जैसा ये किताब में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अवेयरनेस क्रिएट करने का, तो अलग अलग स्टेक होल्डर का अपना अपने लिए क्या है और रेरा किस तरह से उनको मार्गदर्शन कर रहा है, ये पूरी जानकारी इसमें दिया है। तो इसके लिए सब स्टेक होल्डर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आने वाला दिनों में जो कस्टमर है, खास करके ग्राहकों को जो कंप्लेंट करने का तरीका क्या है, उसमें किस तरह का चीज़ रखना चाहिए, ये पूरी जानकारी अलग अलग जजमेंट को लेकर FAQ के हिसाब से, मतलब फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देते हुए उसमें बताया कि आप कंप्लेंट किस तरह से करना चाहिए, उसमें किस तरह का रिलीफ मांगना चाहिए, ये सब मुद्दे उसमें हमने कवर किए। बेनिफिट ही होगा लोगों का, फायदे के लिए ये किताब हमने लाया। आगे करप्शन को रोका जा सके, बराबर से उसको फॉलो हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें रेरा का जो इम्प्लीमेंटेशन करने का जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो पूरी चीज़ हमने इसमें कवर की है। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आनंद गुप्ता ने कहा कि यह किताब बहुत उपयोगी साबित होगी और रियल इस्टेट बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबको मुझे एक ही कहना है कि एज ए प्रैक्टिसिंग डेवलपर और एज ए चेयरपर्सन ऑफ हाउसिंग रेरा कमिटी ऑफ बिल्डर्स ऑफ इंडिया, एज ए पार्ट ऑफ द रियल इस्टेट इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार एक ऐसा बुक हमारे सब मित्रगण लोग ने, सभी एक्सपर्ट लोगों ने बनाया है, जो यदि सभी डेवलपर अपने स्टाफ को दें, अपने आर्किटेक्ट को दें, चार्टर्ड अकाउंटेंट को दें, तो वो लोग अपना बिजनेस बहुत ही स्मूथली और ही डिसेंटली कर सकते हैं। जिन लोगों को भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, उनको यदि वो इस बुक को फॉलो करते हैं तो इसमें उनके लिए जितने भी कंप्लाइंस करने हैं, उसके लिए फॉर्मेट, उनके लिए सारे इंस्ट्रक्शंस, प्लस जितने भी कोई कोर्ट जजमेंट्स हैं रियल एस्टेट के बारे में, उन सबका इसमें प्रोविजन है। जितने भी हमें मदद चाहिए आर्किटेक्ट्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट की, वो सभी का इसमें समावेश है। तो मुझे कहना है कि ये बुक
इस बिजनेस को इजी करने के लिए, स्मूथ करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। और मैं इंडस्ट्री की तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं, इन पर्टिकुलरली एज ए लीडर हावर हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी। कि इसमें सभी एक्सपर्ट लोगों का नॉलेज और विशेषता है, जैसे CA, एडवोकेट, डेवलपर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, रिटायर ब्यूरोक्रेट्स, हाउसिंग एक्टिविस्ट और तमाम एक्सपर्ट लोगों का इसमें अनुभव है, और यह आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में रियल एस्टेट का नींव का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ में राकेश पवार की रिपोर्ट, महासेवा न्यूज़, मुंबई।